أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا ذوالقرنین کی فتوحات اور وہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہہ دیجئے کہ میں ان کا تذکرہ آپ کو سناؤں گا ہم نے ان کو زمین میں بڑا اقتدار عطا کیا تھا اور ان کو ہر طرح کے ساز و سامان سے نوازا تھا اور انہوں نے ان وسائل کا استعمال کیا اور فتوحات کے لیے اسفار کیے یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کے رخ پر دور دراز کے علاقے میں پہنچے تو سورج کو ایک کیچڑ آلود چشمے میں ڈوبتا دیکھا یعنی دور سے منظر ایسا تھا جیسے سورج میلے پانی میں ڈوب رہا ہے وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا ہم نے کہا اے ذوالقرنین تم چاہو تو ان کو سزا دو اور چاہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو انہوں نے کہا کہ جو ظلم کر رہے ہیں ان کو ہم سزا دیں گے پھر وہ اپنے رب کے حضور لے جائے جائیں گے جو انہیں اور سخت سزا دے گا اور جو لوگ مومن ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کو بہترین جزا ملے گی اور ہم ان سے نرم بات کریں گے
फिर उन्होंने इसी तरह दूसरे रास्ते को इख्तियार किया, यहाँ तक कि पूर्वी रुख पर सूरज जिधर से तुलू होता है उनका पहुँचना ऐसे लोगों तक हुआ जिनको हमने धूप से हिफाजत का कोई इंतज़ाम नहीं दे रखा था। और हम ज़ुल्क़रनैन के हालात से और इंतज़ाम से अच्छी तरह वाकिफ थे। फिर उन्होंने एक सफ़र किया, ये शिमाली वस्ती इलाक़ों की तरफ था, यहाँ तक कि वो दो पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान पहुँचे। वहाँ ऐसे लोगों का सामना हुआ जो कुछ बात समझते ही नहीं थे, उनकी ज़बान बिल्कुल अलग थी। बहरहाल किसी तर्जुमान के ज़रिए बात हुई होगी, उन्होंने कहा कि ए ज़ुल्क़रनैन, याजूज और माजूज ने पूरे इलाके में फितना मचा रखा है, क्या हम आपके लिए इखराजात का इंतज़ाम करें और आप हमारे और उनके दरमियान पुश्ता बनवा दें, ऊंची दीवार हायल कर दें। उन्होंने कहा कि मेरे रब ने मुझे जो अता फरमा रखा है वो बहुत है, तुम हमें अफरादी क़ुव्वत फराहम करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान भराव करके दीवार हायल कर दूंगा। तुम लोग लोहे की चादरें लाओ। उन्होंने लोहे की चादरों का इंतज़ाम किया और ज़ुल्क़रनैन ने उनको जुड़वाना शुरू किया, यहाँ तक कि जब दरमियान के खला को उन्होंने दोनों तरफ के पहाड़ों के बराबर कर दिया तो हुक्म दिया कि अब भट्टी की आग फुकनियों से फूंक फूंक कर खूब भड़काओ। यहाँ तक कि जब वो चादरें दहकने लगीं तो उन्होंने हुक्म दिया कि अब लाओ इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दूँ। इस तरह उनकी टेक्निक से ज़बरदस्त दीवार तैयार हुई जिस पर चढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई, न उसमें नकब लगाने की। सूरतुल कहफ की ये आयत करीमा जिनकी अभी तिलावत की गई और तर्जमा उनका पेश किया गया, आयत नंबर 83 से शुरू होती हैं और आयत नंबर 97 पर ख़त्म होती हैं। इन आयत में उन सवालों में से तीसरे सवाल का जवाब है जो मुशरिकों की तरफ से किए गए थे, लेकिन मुशरिकों से ये सवाल करने के लिए यहूदियों ने उनकी जहन साजी की थी और उनको ये सवाल बताए थे कि अपने नबी से ये सवालात पूछो, और वो ये समझते थे कि अगर वाकई ये नबी होंगे तो इनके पास ख़बर अल्लाह की तरफ से आ जाएगी और ये बात बता देंगे, और अगर इनकी नबूवत बरहक नहीं होगी तो ये जवाब नहीं दे सकेंगे या गलत जवाब देंगे। यहूदी एक इम्तिहान लेना चाहते थे और साथ ही साथ क्योंकि हसद में मरे जा रहे थे इसलिए जिच भी करना चाहते थे। वो तो इसी उम्मीद में थे कि बस हमारे ख़ानदान में कोई आखिरी नबी बर्पा किया जाएगा। बहरहाल जहाँ तक मुशरिकों का ताल्लुक़ है, वो तो तरह तरह की बात कुरान के बारे में करते थे, कभी कहते कि ये किस्से हैं या अफसाने हैं या कहानियाँ हैं, कोई इनको पढ़ाता है कहीं से ये मालूमात हासिल करते हैं, कभी कहते ये जादूगर हैं, कभी कहते कि इन पर जादू हुआ, कभी कहते कि शायर हैं, कभी कहते तुकबंदी करते हैं। इंसान जब किसी पर एतराज़ करने पर तुलता है तो फिर ना अकल रहती ना मंतिक रहती है, जो मुंह में आता है वो बकता चला जाता है। यही हालत मुशरिकों की थी और आज के जो भौंकने वाले कुत्ते हैं वो भी नबी के बारे में, कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में जो भी उनके अंदर आता है और मुंह में आता है उसको बकते चले जाते हैं। तो हर दौरे जाहिलियत के नमूने सामने आते रहते हैं, उस दौरे जाहिलियत के भी नमूने कुरान पाक ने बयान कर दिए हैं कि जो हर तरह की बकवास नबी के बारे में, कुरान के बारे में, दीन के बारे में करते थे, आज भी आप देख रहे हैं और आज से पहले भी ये होता रहा है, कोई नई बात नहीं है।
दुश्मन पागल हो जाते हैं, बौले कुत्ते हो जाते हैं और भौंकते हैं। बहरहाल अगर सवालात इल्मी हैं और तारीखी हैं और अहमियत रखते हैं और जांच की जा रही है तो जवाब उनका आना चाहिए सामने। तीन सवालात किए गए थे जिनमें से एक सवाल ये था कि ग़ार वालों के बारे में आप क्या जानते हैं, और दूसरा सवाल ये था कि मूसा और खजर के बारे में आपकी क्या मालूमात है, और तीसरा सवाल ये था कि ज़ुल्करनैन के बारे में बताइए। तो पहले सवाल का जो जवाब है वो गुज़र चुका, फिर दूसरे सवाल का जो जवाब है वो भी गुज़र चुका और तफसील के साथ बात सामने आ गई। अब तीसरा सवाल जो ज़ुल्करनैन से मुतालिक था उसके बारे में यहाँ बयानात ज़िक्र फरमाए जा रहे हैं। तो पहले तो आप इसको समझिए कि ज़ुल्करनैन का लक़ब किस माने में है। ज़ू माने वाला और करन के माने सींग और करनैन माने दो सींगे, ज़ुल्करनैन माने दो सींगों वाला, और दो सींगों वाला ये लफ्ज़ बोला जाता था मजाजी तौर पर किसी बड़े साहिब इख्तदार के लिए जिसके पास बड़ी ताकत। तो ताकत की ताबीर के लिए ये सींगों का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था बिब्लिकल लिटरेचर में भी और अरबों के यहाँ भी इस्तेमाल होता था। और इसीलिए एक हदीस में जो ये फरमाया गया कि भाई जब सूरज निकल रहा हो, सूरज बिल्कुल दरमियान में हो, डूब रहा हो, तो उस वक्त नमाज ना पढ़ा करो, क्योंकि उस वक्त शैतान अपनी दोनों सींगों के साथ नमूदार होता है। यानी वो सूरज के सामने इस तरह आता है कि जो लोग भी उस वक्त इबादत कर रहे हैं, सूरज की पूजा कर रहे हैं, वो उस पूजा को वो वसूल करे कि मैं हूँ तुम्हारा रब, वो इसी से खुश होता है। तो वहाँ पर भी सींगों का तस्करा फरमाया गया, यानी वो अपनी ताकत का मुजाहरा करता है, ये मतलब हुआ दो सींगों का। लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ ज़ुल्करनैन से कौन सी शख्सियत मुराद है। इस सिलसिले में हमारे मुफस्सिरीन ने जो अक़वाल ज़िक्र किए हैं उनमें से एक कौल ये है कि ज़ुल्करनैन से यमन के कबीले हिमियर के एक बादशाह को मुराद लिया गया है, जो बड़ा साहिब शौकत और साहिब इख्तदार रहा है और जिसकी हुकूमत के बड़े चर्चे रहे हैं। बस ये बात कह दी कि बहुत बड़ा बादशाह था। अब भाई कुरान जो कह रहा है कि उसने पश्चिम के रुख पर वेस्ट की तरफ सफ़र किया और उस इलाके तक पहुंचना हुआ कि जहां दूर से गदला सा पानी नज़र आ रहा था, और फिर ये कि मशरिक़ की तरफ सफ़र किया और मशरिक़ में उस इलाके तक जाना हुआ जहां ऐसे लोग रह रहे थे जिनके पास मकानात भी नहीं थे, बस खुली फिज़ा में सूरज से छुपने के लिए इंतज़ामात भी नहीं थे, ऐसे बिल्कुल बदवी किस्म के सहराई लोग रह रहे थे। और फिर उसके बाद ये भी बयान किया गया कि वो शिमाल के रुख पर एक सफ़र पर गए और फिर जिस इलाके में जाना हुआ वहाँ के लोगों की बात तो समझ में आ नहीं रही थी, लेकिन बहरहाल किसी न किसी तर्जुमा करने वाले ने बात समझाई। उन्होंने ये दरख्वास्त की कि अल्लाह ने आपको बड़ी बादशाहत दी, बड़ी ताकत दी, बड़ा इख्तदार दिया, हम लोग परेशान हैं याजूज माजूज से, ये लोग हम लोगों पर हमला करते हैं और आए दिन मुसीबत में पड़े हुए हैं, तो आप उनके मुल्क और हमारे मुल्क के दरमियान में एक दो पहाड़ों के दरमियान जो खुली हुई जगह है इसको बंद कर दीजिए, एक पुश्ता बनवा दीजिए ताकि यहाँ से वो घुस ना सके। तो यमन का जो बादशाह है उसके बारे में इस तरह की कोई तारीख नहीं। एक राय ये बयान की गई है कि अरबों की हुकूमत जो इराक़ में रही, ईरान के पड़ोस में, और हीरा की हुकूमत के नाम से वो मौसूम है, उसका एक बड़ा ज़बरदस्त बादशाह गुजरा है।
और मुमकिन है कि वो मुराद, लेकिन ये दो कौल ऐसे हैं कि आम तौर पर मुफस्सरीन ने इनको इख्तियार नहीं किया। ज़्यादातर मुफस्सरीन का ये कहना है कि सिकंदर मकदूनवी यानी यूनान का जो बड़ा बादशाह गुजरा है सिकंदर के नाम से, और उसको भी ज़ुल्करनैन दो सींग वाले कहा जाता था, उसकी हुकूमत जो है 356 से 323 कबल मसीह तक, हज़रत ईसा से 323 सन पहले उसका इंतकाल हुआ, और वो बहुत ज़बरदस्त बादशाह गुजरा है। बड़ी फतवाहत की उसने भी बड़ी फतवाहत की, मशरक़ में भी की और मग़रब में भी की। यूरोप में तो था ही वो, असलन तो यूनान से उसका ताल्लुक़ था जो यूरोप में, तो इस एतबार से यूरोप में भी उसको फतवाहत मिली थी और मशरक़ में भी उसको फतवाहत मिली थी। लेकिन यहाँ मसला ये है कि कुरान पाक जिस ज़ुल्करनैन का ज़िक्र कर रहा है, उसके शिमाली सफ़र का भी तस्करा कर रहा है और एक पुश्ता बनाने का ज़िक्र कर रहा है, सिकंदर मकदूनी की जो तारीख़ और सवाने हैं उसमें इस तरह का कोई वाक़या नहीं है। दूसरे ये कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने जिस हाकिम का ज़िक्र किया है वो बड़ा ही नेक था, मुत्तकी था, अल्लाह वाला था, और अल्लाह की तरफ से उसको इल्हाम होता था। और जहाँ तक सिकंदर मकदूनी का ताल्लुक़ है, यूनानी सिकंदर का ताल्लुक़ है, उसके बारे में तो ये है कि वो मुशरिक था, वरना कम अज़ कम यह कि वो ऐसे नेक और साले लोगों में शुमार नहीं होता था। लेकिन फिर भी इमाम राज़ी ने इसी को तरजीह दी कि वो सिकंदर मकदूनी था, यानी यूनान का सिकंदर था। और भी मुतअद्दिद मुफस्सरीन ने इसका तذکرہ किया है कि सिकंदर मकदूनी मुराद है, और फिर वो ये कहते हैं कि हकीकत में यूनान का जो मशहूर सिकंदर है और जो वसनियत परस्त था वो मुराद नहीं है, बल्कि यूनान ही का एक सिकंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में था, और वो मुवाहिद था, वो तौहीद को मानने वाला था। तो यहाँ पर उसका ज़िक्र है, लेकिन तारीख इसके लिए दलाइल फराहम नहीं करती है। अब सबसे ज़्यादा जो शख्स कुरान पाक के बयान का मिसदाक बनता है और जिसको बाद के मुफस्सरीन ने तरजीह दी है कि कुरान की आयात का फिल हकीकत वो मिसदाक है, वो ईरान का वो बादशाह रहा है जिसको कहीं खोरस लिखा गया है और कहीं कै खुसरू और कहीं साइरस और कहीं गोरुश, मुख्तलिफ़ ये नाम उसके ज़िक्र किए गए हैं, लेकिन कै खुसरू के नाम से उसकी बड़ी शोहरत रही है और खोरस और साइरस के नामों से वो जाना जाता है। उसकी वफ़ात 539 में हुई, 539 कबल मसीह, हज़रत ईसा से 539 साल पहले, यानी छठी सदी में, हज़रत ईसा से पहले, माँ कबल मसीह छठी सदी में। ये ईरान का भी बहुत ही ज़बरदस्त बादशाह रहा है, और मीडिया का इलाका जो अलजिबाल कहलाता है उस पर भी इसकी हुकूमत रही है, यानी शिमाली खित्ते भी इसके ज़ेर नगी रहे हैं, और इसकी फतुहात मगरिब में भी हुई हैं और मशरक़ में भी हुई हैं। ज़बरदस्त लश्कर था, बड़ी ताकत थी, बड़े हथियार थे, और इसी के साथ साथ दीनदार था, अल्लाह वाला था, आदिल और मुनसिफ था। इसलिए बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कुरान पाक में जिस शख्सियत का तज़किरा फरमाया जा रहा है वो शख्सियत इसी कै खुसरू की शख्सियत है। बहरहाल अब यहाँ पर जो बात ज़िक्र की जा रही है इस
हुक्मरान के बारे में कि अल्लाह ताला ने उसको बड़े साजो सामान दिए, हथियार दिए, पैसा दिया, जिसके लिए लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया है वो सबब का लफ्ज़ है। सबब, सबब से मुराद वसाइल और ज़राए और साजो सामान। और जो साजो सामान अल्लाह ने दिया है, जो असबाब दिए, जो वसाइल दिए, उनका फिर उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया। और ये सारा इस्तेमाल उन्होंने अच्छे मसाले के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए किया। और उनकी जो फुतुहात हैं, वो फुतुहात मगरिब की तरफ जब होना शुरू हुई हैं, तो जो इलाका एशियाई कोचक कहलाता है, यानी छोटा एशिया कहलाता है, और जिसके बाद फिर ब्लैक सी है, बहर अस्वद, तो ब्लैक अस्वद, ब्लैक सी जो है, बहर अस्वद, उसके साहिल तक, शाम के किनारे साहिल तक, और तुर्की के मुतअद्दिद इलाक़ों के जो साहिल हैं, और ख़ास तौर पर जो बहर अस्वद से लगे हुए हैं। बहर अस्वद उसको कहा भी इसलिए जाता है कि दूर से स्याह लगता है पानी, और सूरज के डूबने का जो निज़ाम है या तुलू होने का, वो तो हमारी आंखें देखती हैं कि अगर आपके सामने बागात ही बागात हैं तो आपको ये लगेगा कि सूरज की टिकिया बाग में जा रही है। जब आप दूर से देखेंगे तो ये लगेगा। अगर आप कहीं दरिया के सामने हैं, समंदर के सामने, और सूरज डूबता दिख रहा है, तो ऐसा लगेगा जैसे गंगा में सूरज डूब रहा है मसलन, या समंदर में सूरज डूब रहा है। ये सिर्फ लगता है, आँखों को ऐसा दिखता है, और न मालूम है कि भाई लाखों मील का फासला है सूरज में और ज़मीन में, और ज़मीन अपने मकाम पर गर्दिश कर रही है, सूरज के गिर्द उसकी गर्दिश, और सूरज अपने मकाम पर भी गर्दिश कर रहा है, और अपने पूरे सिस्टम को लेकर चल रहा है, अपनी पूरी कहकशां को लेकर रवा दवा। तो हम ये कहते हैं सूरज तुलू हुआ और सूरज गुरूब हुआ। सूरज गुरूब नहीं होता, ना सूरज तुलू होता है। हमारी ज़मीन तुलू होती है, हमारी ज़मीन गुरूब होती है, यानी हमारी ज़मीन जो है गोलाई के साथ चक्कर काटती है। तो लिहाजा जब वो इस रुख पर आई जो सूरज के सामने है, तो दिन हो गया, फिर वो चक्कर काटते काटते जब इधर हुई, तो अब यहाँ रात शुरू हो गई, यहाँ दिन हो गया। लिहाजा जब हमारे यहाँ रात होती है तो अमरीका में दिन होता है, और जब अमरीका में दिन होता है तो हमारे यहाँ रात होती है, क्योंकि 10-12 घंटे का फासला है, इसलिए वहाँ ये होता है। लेकिन यहाँ का मामला ये कि जब हमारे यहाँ मसलन 12 बज रहा होता है, तो दुबई में, इमारात में 11:30 बज रहा होता है, और आगे बढ़ जाइए जो सऊदी अरेबिया कहलाता है, उसमें उस वक्त 2.5 घंटे का फ़र्क होता है, लिहाजा 11 बज रहा होता है मसलन। इसी तरह और आगे बढ़ जाइए, मिस्र में 10 बज रहा होता है, टर्की में चले जाइए तो 4 घंटे का फ़र्क हो जाएगा। इस तरह ये दुनिया जो है चक्कर काटती रहती है। तो सूरज तुलू हुआ, सबसे पहले सूरज जब तुलू होता है, तो क्योंकि मशरिक से तुलू होता है, मशरिक का मतलब है कि हमारी दुनिया जो घूमती है वो इस तरह घूमती है कि पहले मशरिक का जो उसका रुख है वो सूरज के सामने होता है, लिहाजा वहाँ रोशनी शुरू होती है। अब उसके बाद वहाँ रोशनी बढ़ती चली जाती है, और हमारे यहाँ अंधेरा होता है। जब जापान में सुबह हो जाती है तो हमारे यहाँ उस वक्त रात होती है, और जब और आगे बढ़िए आपके मलेशिया में सुबह होती तो भी उस वक्त हमारे यहाँ सुबह नहीं होती। लिहाजा जो 2.5 घंटे का फासला है वो फासला पूरा होता है, तो फिर हमारे यहाँ सुबह देर से होती। इसी तरह फिर ये सिलसिला चलता है ज़मीन के घूमने की वजह से, ज़मीन के घूमने की वजह से सुबह शाम की ये तब्दीली होती है। और सूरज तुलू होते हुए जब दिखता है, तो आप देखेंगे मलियाबाद के जो बागात हैं, तो लगेगा कि मलियाबाद के बाग के दरख्तों के अंदर से सूरज तुलू हो रहा है, निगाह ये देखेगा। और जब डूब रहा है तो जहाँ भी डूब रहा है, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि साहब घास ही घास है वहाँ है, या रेगिस्तान है, तो लगेगा रेगिस्तान में डूब रहा है। ये जो मंज़र दिखता है, उस मंज़र को यहाँ बयान किया गया कि जो फतुहात हासिल की ईरान के कैखुसरू ने या साइरस ने, वो फतुहात बढ़ती चली गई। इराक़ को भी उसने फ़तेह कर लिया,
इराक़ में जो बाबिल कहलाता था वहाँ पर जो हुकूमत थी बड़ी जालिम हुकूमत, जिसने बैतुल मुक़द्दस को तोड़ दिया था और हज़ारों यहूदियों को शहीद किया और हज़ारों यहूदियों को गिरफ़्तार करके इराक़ के जेलों में डाला था, बुख्त नस्सर उसका नाम था, उसकी हुकूमत से भी मुकाबला साइरस ने किया, कह खुसरू ने किया और उसकी हुकूमत तोड़ दी। और चूंकि वो दीनदार थे इसलिए यहूदियों को जेलों से रिहा करवाया और उनको फ़िलिस्तीन जाने का मौका दिया कि वो जाएं और अपना इबादत खाना फिर बनाएं और अल्लाह की इबादत करें, जिसका मतलब ये हुआ कि वो एक दीनदार और खुदा परस्त इंसान था और साथ ही साथ मज़लूमों की मदद करने वाला इंसान था। तो वो फतुहात एशियाई कोचक का जो इलाका और ब्लैक सी का जो इलाका है वहाँ तक हुई, और जहाँ पर दूर से दलदल सा पानी और कीचड़ या स्याह पानी नज़र आता था वहाँ उसने जो मंज़र देखा कि सूरज गोया कि उस गंदे पानी में डूब रहा है, ये एक तस्वीर कशी की गई है उस ख़ास इलाके की जहाँ तक उस शख्स की हुकूमत पहुँची थी। मशरिक़ में जब फतुहात शुरू की, ईस्ट का जो इलाका है यानी भाई हमारा इंडिया जो है ईरान के मुकाबले में ये ईस्ट में है, मशरिक़ में है, और अफ़ग़ानिस्तान भी मशरिक़ में है और जनाब वाला पाकिस्तान भी है, तो उसकी जो फतुहात हैं वो मशरिक़ में अफ़ग़ानिस्तान तक हुई और साथ ही साथ जो ऊपर का इलाका है रशिया का जो इलाका शुमार होता है वहाँ तक भी, यानी तुर्किस्तान का जो इलाका है उसके बाद खित्तों तक उसको पहुँचना हुआ, ख़ासतौर पर जो बल्ख का इलाका कहलाता है, फ़लाँ बल्खी बड़े बड़े उलमा बल्ख से हुए हैं बाद के दौर में, वहाँ तक उसकी फतुहात हुई। और जिस दौर में खुसरू की फतुहात उस इलाके पे हुई, जिस इलाके का तذکرہ है कि वहाँ उस वक्त इतना ज़्यादा लोग सहराई ज़िंदगी गुजार रहे थे कि उनके पास सर छुपाने के लिए मकानात भी नहीं थे, बस ऐसे ही उनकी ज़िंदगी गुजरती थी, कहीं भी पड़ गए जो भी मिल गया टाट वाट उसको बिछा लिया और आराम कर लिया, तो धूप से बचने के इंतज़ाम तक नहीं थे। उस इलाके तक भी पहुंचना हुआ और उनकी फतुहात हुई। और जहां तक ताल्लुक़ है तीसरी फतुहात का, जो नॉर्थ के इलाके की तरफ हुई, अब जो तहकीकात हैं कह खुसरू के बारे में कि शिमाल में वो कॉकेशिया तक, जिसको कफकास कहते हैं, कॉकेशिया तक उनका पहुंचना हुआ, वो इलाका उनके ज़ेर नगी आया। और वहाँ जब वो पहुँचे हैं तो एक जगह है जो दरबंद कहलाती है, बाद में उसको इस तरह शोहरत हुई, वहाँ के लोगों ने उनसे दरख्वास्त की कि हम लोग परेशान हैं याजूज माजूज से। और याजूज माजूज का जहाँ तक ताल्लुक़ है ये लफ्ज़ बहुत पुराना है और इस लफ्ज़ का तذکرہ बाइबल में आया है, और बाइबल में हज़रत हिज़कील का जो सहीफ़ा है उस सहीफ़े में इसका तذکرہ किया गया है कि ये जो गोग मेगोग हैं, याजूज माजूज हैं, ये रूस के इलाके के हैं, मास्को के इलाके के हैं, यानी जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं उनकी पेशिनगोई में उसमें रूस का लफ्ज़ है, तोबोलिस का लफ्ज़ है और मास्को का लफ्ज़ है, और कदीम तरीन किताब यानी तौरात में इसका तذکرہ है तो ज़िक्र होता रहा है। तो इसीलिए ज़्यादातर ये ख़्याल है कि याजूज माजूज मंगोलिया और रशिया के लोग होंगे, यही वो लोग थे कि जिन्होंने हमला किया था, जिसको तातारियों का हमला कहा जाता है, ये मंगोलियन थे, भयानक हमला, पूरी दुनिया कांप गई थी और लाखों इंसानों को कत्ल किया था और हज़ार मकाना तहस नहस कर दिए थे, शहर शहर में आग लगा दी थी, सिर्फ बगदाद में 18 लाख इंसान शहीद किए गए थे।
ऐसा ख़तरनाक हमला था इनका कि लोग समझते थे कि क़यामत आ गई और यही है याजूज माजूज। तो ये वाक़या सातवीं सदी हिजरी में हुआ था। क़यामत से पहले एक मरतबा फिर चीन के शिमाल से और रूस से यही ख़तरनाक कौमें पूरी दुनिया पर चढ़ाई के लिए निकलेंगी। कुरान पाक में इसका तज़किरा है और बाइबिल में भी है। आप लोग जो सुनते हैं और कभी कभी कुछ वाक़यात देखने का मौका मिलता है कि अमेरिका और यूरोप रूस से बहुत परेशान है। उन्होंने रूस को शिकस्त देने के लिए अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इख्तियार किया था और अफ़गानियों की मदद इसीलिए की थी ताकि रूस की ताकत तोड़ दी जाए, क्योंकि रूस से वो दहलते हैं। उन्हें मालूम है कि यहीं से ये मंगोलिया और रूस के इलाके से जो तातारी निकले थे उनसे पूरा यूरोप कांप रहा था और आलम इस्लाम को उन्होंने रौंद दिया था। और उनके यहाँ भी ये पेशिनगोइयाँ मौजूद है कि याजूज माजूज इन्हीं से उठेंगे। इसलिए अमरीका को, यूरोप को और ईसाइयों को सबसे ज़्यादा ख़तरा चीन और रूस से है। इसलिए अमेरिका और रूस की थनातनी रहती और आजकल फिर तनाव शुरू हो गया है। इससे पहले जो कोल्ड वॉर थी वो चलती रही और खुदा न खास्ता अगर किसी वक्त इनके दरमियान जंग हो गई तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। दोनों के पास बहुत से एटम बम हैं और उन एटम बम का अगर इस्तेमाल कर लिया गया और न्यूक्लियाई पावर का इस्तेमाल कर लिया गया तो आधी दुनिया तो ख़त्म ही हो जाएगी। और आजकल यूक्रेन का जो इलाका है यूरोप में, वहाँ पर तनाव है शदीद। अमेरिका और यूरोप यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और रूस मुदाखलत कर रहा है। वो कहता है कि हमारा इलाका है और बहुत ज़बरदस्त तनाव पैदा हो गया है, वो बढ़ सकता है। तो अमेरिका के लोग और यूरोप के लोग रूस से और चीन से बहुत डरते हैं। इसलिए जो मुसलसल ये देखते हैं कि साहब चीन की जो तरक्की हो रही है, चीन बढ़ता चला जा रहा है, तो उससे उन पर बड़ा खौफ तारी होता है। और अब जो सूरत हाल सामने आ रही है कि अमेरिका शिकस्त खा रहा है, वो टूटता चला जा रहा है। अफ़गानिस्तान में उसको शिकस्त हो गई, 20 साल उसने हर बम आजमाया लेकिन तालिबान ने उनको शिकस्त दे दी और उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और अब अपनी फ़ौज वो वापस ले जा रहे हैं। तो दुनिया की जो एक सबसे बड़ी ताकत शुमार होती थी, जिस तरह अफ़गानिस्तान में उससे पहले एक सुपर पावर को शिकस्त हुई, अब दूसरी सुपर पावर को भी शिकस्त हो गई। और ये शिकस्त अब जाहिर हो रही है कि इराक़ में भी अमेरिकी फ़ौजों के खिलाफ बम बरसाए जाते हैं, शाम में भी उनके खिलाफ टकराव होता है और ईरान से एक तनाव चल रहा है और ईरान को धमकियां देते हैं लेकिन उन धमकियों का कोई असर नहीं पड़ा। यहाँ तक कि अब ईरान से बाकायदा मुफाहमत हो रही है, मुसालहत हो रही है और जो न्यूक्लियाई पावर के बारे में वादा हुआ था उस वादे की तजदीद जो बाइडन साहब कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ये डर है कि ईरान को हम शिकस्त नहीं दे सकते। वो भी एक बड़ी ताकत है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के साथ रूस खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ अब चाइना से 25 साल का पैक्ट हो गया ईरान का, तो इस एतबार से रूस और चाइना ईरान के साथ है और अमेरिका इन दोनों का मुकाबला कर नहीं सकता, इसलिए वो मुसालहत कर रहा है। सबसे ज़्यादा परेशान आल सऊद और आल नहयान है, जो खुफिया तौर पर तो रबते रखते हैं और बड़ी तिजारत करते रहते हैं वहाँ से, ऊपर से शिया सुन्नी के धंधे झगड़े छेड़े रखते हैं, क्योंकि उनके पास वो ताकत नहीं है कि वो मुकाबला ईरान का कर सकें। इराक़ पर ईरान ने कब्ज़ा कर लिया है, सीरिया पर ईरान ने कब्ज़ा कर लिया है, लबनान पर ईरान का कब्ज़ा है, यमन पर ईरान का कब्ज़ा है और एक टकराव चल रहा है। यानी बहरहाल हर जगह ईरान दखील। तो ईरान ही का वो हाकिम था जिसने पूरी दुनिया पर कब्ज़ा किया था। एक वो दौर था
और उसी का कुरान में ज़िक्र हो रहा है ज़ुल्करनैन के लकब के साथ, दो सींगों वाला यानी बड़ी ताकत वाला जिसने मशरिक़ और मगरिब दोनों को फतेह कर लिया। और उसके बाद वो कफकाज़ और काकेशिया के इलाके की तरफ गया तो वहाँ पर लोगों ने अजूज माजूज के बारे में ये कहा कि ये चढ़ाई करते हैं, जब चाहते हैं घुस आते हैं, और दो पहाड़ हैं इनके बीच का ये जो बड़ा सा दर्रा है यहाँ से घुस आते हैं। तो अगर आप करम फरमाएं, हम लोगों पर रहम फरमा दें, जो भी आप रकम कहें हम हाजिर कर दें, आप इस पहाड़ उस पहाड़ को जोड़ दीजिए, कैसा पुश्ता बनवा दीजिए। तो उस पर हजरत ज़ुल्करनैन ने ये फरमाया कि ठीक है, मुझे तुमसे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे मज़दूरों की ज़रूरत है, और इसकी ज़रूरत है कि तुम्हारे यहाँ लोहे के कारखानों से जो लोहे की मोटी चादरें हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ, यानी सिर्फ ईंट की दीवार नहीं बनाएंगे, बड़ी ज़बरदस्त लोहे की ऐसी दीवार बनाएंगे जिसको वो फिर तोड़ नहीं सकेंगे, इसलिए लोहे की चादरें लेकर आओ। अब जो उनके यहाँ के कारखाने थे वहाँ से चादरें लाई गई, उन चादरों को उन्होंने एक चादर दूसरी चादर को जोड़ना शुरू किया, यानी जिस तरह वेल्डिंग का काम होता है वो वेल्डिंग का काम भी होता रहा, और एक इधर चादर एक इधर चादर, दो तरफ की चादरों को लेते हुए दोनों पहाड़ों के जो बीच का हिस्सा था पहले तो उसको घेरा, उसके बाद कहा कि जो अब तांबा जो है पिघला हुआ तांबा इस पर डाला जाएगा, दूसरी तरफ ये कि अच्छी तरह से ज़्यादा आग जलाकर, जो तरीक़ा था लोहे को पिघलाने का या लोहे को गर्म करने का वो तरीक़ा उस वक्त इस्तेमाल किया गया कि ये जो चादरें हैं ये पूरी बिल्कुल गर्म हो जाएं, सुर्ख हो जाएं, तब जब तांबा डाला जाएगा तो वो बिल्कुल इनके साथ पेवस्त हो जाएगा और एक ज़बरदस्त दीवार लोहे और तांबे की बन जाएगी। तो जो भी वहाँ कारीगर थे उन तमाम कारीगरों को तलब कर लिया गया, मज़दूरों को बुला लिया गया, और डायरेक्शन जो था वो जनाब कैखुसरू साहब का था, बादशाह सलामत की तरफ से डायरेक्शंस दिए जा रहे थे, निगरानी की जा रही थी, ऑर्डर्स दिए जा रहे थे, और उस दीवार को तैयार करने का काम हुआ। क्योंकि उस वक्त जो आसपास कौमें थीं सब पर इतना रोब था, साइरस का खोरस का ईरान के बादशाह का इतना रोब था कि किसी में हिम्मत नहीं थी कि उनसे टकराता, दुनिया का अक्सर हिस्सा जेर हो चुका था, उनको बहसियत सुपर पावर के तस्लीम कर लिया गया था। अब उन्होंने दोनों पहाड़ों के बीच वो दीवार उठा दी और ये कहा उनसे कि ये तुम्हारी हिफाजत का अब जरिया है, और ये बात भी फरमाई उन्होंने कि बस जब अल्लाह चाहेगा जब आखिरी वक्त आएगा तो ये दीवार टूटेगी, एक वक्त तो बहरहाल ऐसा आना है और उस वक्त फिर ये कौम दुनिया पर टूट पड़ेगी। हमारे यहाँ बाज़ हदीसों में इस तरह की बातें कह दी गई कि वो दीवार को चाटते हैं और चाटते रहे उसमें सुराख हो गया, ये सब वाहियात हैं, इन हकीकतों की कोई इन हदीसों की इस तरह कोई हकीकत नहीं है, मजाजी ताबीरात बाज़ बाज़ जगह इस्तेमाल की गई और रावियों ने उसको बिल्कुल एक नया ऐसा किस्सा बना दिया कि जो न अकल का न मंतिक का। तो बहरहाल मुसलसल रूस कोशिश कर रहा है, आज आप देख रहे हैं कि सीरिया में कैसी ख़तरनाक बमबारी रूस के लोग कर रहे हैं, कितने लोग शहीद हो चुके हैं, अगर रूस बशार की मदद न करता तो एक हफ्ता बशार रह नहीं सकता था, लेकिन रूस पूरी ताकत के साथ आ गया ताकि शाम पर वो अपना कब्ज़ा बना के रखे, और उसने बदतरीन बमबारियां करके हज़ारों मुसलमानों को बल्कि लाखों को शहीद कर दिया। अभी ताज़ा वाक़या भी पेश आया और रूस अब मज़ीद आगे बढ़ना चाहता है, और अब सूरत हाल ये हो गई है कि जो अमेरिकन ब्लाक में मुल्क थे जैसे सऊदी जो मुल्क है उसके बादशाह सलामत रूस गए, अब वो रूस से मदद ले रहे हैं, चाइना से मदद मांग रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अमेरिका से अब दूरी हो गई और अमेरिका की जो नई हुकूमत है वो मोहम्मद बिन सलमान पर मुकदमा चला रही है, और मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं खाशकजी का जो केस है और एक सादुल जबरी का केस है, ये दोनों केस अमेरिकन अदालत में दायर हैं,
और अमेरिकन अदालत की तरफ से अब मुतालबा है कि मोहम्मद बिन सलमान को पेश होना है, और जब इस मुकदमे में वो पेश होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस तरह सऊदी हुकूमत ऐसे मखमसे में पड़ गई है कि न जाने का रास्ता है न छुपने का रास्ता है। तो कह खुसरू ज़ुल्करनैन साइरस होरस, ये मुख्तलिफ अलकाब हैं उस शख्सियत के, जिस शख्सियत को, जिस हुक्मरान को, जिस बादशाह को अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत दी और ईमान भी आता फरमाया। अब सूरह कहफ में जो उस वक्त उतारी गई मक्के मुकर्रमा में, उनको ये बताया गया कि एक तरफ ईमान की खातिर वो नौजवान थे जो रूमी हुकूमत से टकराए और एक गार में उन्होंने पनाह ली और अल्लाह ने उनकी हिफाजत की, और वो ईमान ही है जिसकी बुनियाद पर हज़रत खजिर को अल्लाह ताला ने ख़ास काम सौंपा है और उनको रिजालुल गैब में बनाया है, और हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि जाओ खजिर के पास उनसे तालीम हासिल करो, और इल्म की कोई इंतहा नहीं है, एक इल्म शरी है, एक इल्म कायनाती है। और फिर आखिरी किस्सा सुनाया गया कि ओ अबू जहल और ओ अबू लहब, चंद पैसे हासिल हो गए तो फिर अकड़ते हो, इतराते हो, हमने ज़बरदस्त ताकत दी थी साइरस को और कह खुसरू को, ज़बरदस्त बादशाह था जिसने आधी दुनिया से ज़्यादा फतेह कर लिया था, और उसकी फतूहात यूरोप में भी थी, उसकी फतूहात उधर अफ़गानिस्तान और तुर्किस्तान में भी थी, और साथ साथ कफकास का और काकेशिया का जो इलाका है वहाँ पर भी उसने फतूहात की, और उसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की दीवार बनाई जो पुश्त पनाह बन गई उन लोगों के लिए जो उस इलाके में रह रहे थे और जिन पर याजूज माजूज के हमले होते थे। जिस शख्स ने ये सब किया वो मेरा बंदा था, वो मेरे लिए नमाज़ पढ़ता था, वो मेरी इबादत करता था। तो ये छोटे छोटे सेठों, छोटे छोटे मालदारों, ज़रा अपने कद देखो, तुम पहाड़ के सामने बौने हो और अकड़ते हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है और अकड़ते हो। अल्लाह मियाँ जिस वक्त चाहेंगे तुम्हें इस तरह से खिसकाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ थे। तो मक्के में जो बड़े बड़े लीडर थे जंग बद्र में सब मार दिए गए थे, 24 सरदार जंग बद्र में मारे गए थे और एक गड्ढे में उनकी लाशें फेंक दी गई थी। मक्के मुकर्रमा में ये सुनाया जा रहा था कि होश में आओ, तुम अल्लाह के खिलाफ बगावत कर रहे हो, तुम नबी के खिलाफ खड़े हुए हो, तुम्हारे सामने ये चंद मिसालें पेश की जा रही हैं। अब यही वो सूरह है जिसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी फजीलत अता फरमाई, अल्लाह ने जो फजीलत इसकी रखी है उसको बयान किया, और उस फजीलत में से सबसे बड़ी बात यह है कि दज्जाल के फितनों से अगर ये सूरह पढ़ी जाए, समझी जाए, तो हिफाजत का ज़रिया बनेगी इंशाअल्लाह। यानी सही माना में ईमान दिल में जागुजी हो जाएगा, हिम्मत बुलंद हो जाएगी, वक्त की हुकूमतों से टकराने की और उनकी बात न मानने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। और अगर तुम्हें अल्लाह इख्तदार देगा तो वो इख्तदार बंदगी के साथ होगा, इताअत के साथ होगा। तो ये तो जनाब वाला वो वाक़यात हैं जिनका ताल्लुक ज़ुल्करनैन से है, और उनकी फतूहात का कुछ तज़किरा हुआ, और साथ ही साथ उन्होंने जो उस कौम की हिफाजत का इंतज़ाम किया जिस पर याजूज माजूज के हमले होते रहते थे, उसका भी तज़किरा फरमाया गया। लेकिन अब याजूज माजूज के जब जिक्र आया तो वो कौन हैं और वो कब निकल खड़े होंगे और क्या तूफ़ान मचेगा और क्या क्या वाक़यात दुनिया में होंगे, इस बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में बहुत सी बातें बयान फरमाई। लेकिन जहाँ तक मैंने आयतें पढ़ी हैं आज और उनका तर्जुमा किया, उन आयतों में जो कुछ बयान किया गया है वो हज़रत कह खुसरू की फतूहात है, ईरान के उन अजीम बादशाह की वो फतूहात
जो मग़रिब में यानी यूरोप के इलाके में हुई और मशरिक में यानी चाइना के करीब तक के इलाके में हुई और फिर शमाल में यानी रशिया के अंदर का जो इलाका है वहाँ तक उन्हें जो फतूहात हासिल हुई उन फतूहात का ये तस्करा किया गया। अब जो उन्होंने बात आगे कही कि ये दीवार तो कायम कर दी मैंने लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि दीवार बाकी नहीं रहेगी, क़यामत के हालात पेश आना शुरू हो जाएंगे तो फिर बड़े बड़े फितने सामने आएंगे। इस मौजू पर इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نعوذ بك من البلايا والمحن والشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من كل وباء ومن كل بلاء اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على